दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसी घटनाक्रम, विचलित कर देने वाले दृश्यों और स्थानों से गुजरते हैं जो कि हमें हमारे दुनिया देखने के नज़रिए पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। और उन्हीं में से कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हमारे ज्ञान विज्ञान की नींव को हिला देते हैं। और उन्हीं रहस्यों में से एक है बरमूडा ट्रायंगल, जिसने कि पिछले एक सदी से विज्ञान जगत को विचलित कर रखा है। आज हम आपको बरमूडा ट्रायंगल के उन तमाम रहस्यों से रूबरू कराएंगे। उसका नाम कैसे पड़ा और क्यों, वो है कहाँ, क्या है उस जगह से जुड़ी हुई अनेक कहानियाँ, और क्या आप वहाँ जा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दुनिया के तमाम रहस्यों की जानकारी सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीके से मिल सके। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में अमेरिका के प्रांत फ्लोरिडा और पोर्टो रिको और बरमूडा द्वीप से मिलकर एक तिकोना हिस्सा है। और जहाँ तक इसके नाम की बात है, वह 1945 की एक विचित्र घटना से आया जब अमेरिकी नौसेना के फ्लाइट 19 के 5 हवाई जहाज एक अभ्यास के दौरान जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे तो कभी वापस नहीं आए। और जब उनकी तलाश शुरू की गई तो ना उनका मलबा मिला, ना उनमें से कोई बचा हुआ व्यक्ति। इसी की सूचना जब समाचार पत्रों में छापे जाने लगी तो इसको नाम दिया गया बरमूडा ट्रायंगल। 1918 से 1980 के बीच ऐसी अनेक घटनाएं सामने आईं जिसमें कई सारे जहाज, जलपोत उस इलाके से जब भी गुजरे वो गायब हो गए। और उन सब में एक रोचक बात यह थी कि उनमें से किसी का कोई मलबा नहीं मिला और ना ही किसी मृतक का शरीर। इसी के चलते बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई कई सारी धारणाएं प्रचलित हैं। उनमें से हम आज आपको कुछ धारणाओं से रूबरू कराएंगे। कुछ लोगों का मानना यह है कि वहाँ से एलियंस मनुष्यों को अपने अनुसंधान के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। कुछ का यह मानना है कि यह दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल है। कुछ का यह भी मानना है कि वह लुप्त हुई अटलांटिस सभ्यता की एक टाइम मशीन है जो कि चालू छोड़ दी गई है। और बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि वहाँ पे एक विशाल समुद्री जीव का वास है जो कि अपने ऊपर से गुजरने वाले किसी भी चीज़ को खा लेता है। लेकिन विज्ञान जगत की धारणाएँ इनसे बिल्कुल अलग हैं। विज्ञान ने कई सालों के लंबे शोध के बाद इन घटनाओं के दो कारणों को बताया। पहला कारण यह बताते हैं कि वह धरती का एक चुंबकीय केंद्र है जहाँ से जब भी कोई जहाज़ या जलपोत गुजरता है तो उसका दिशा बताने वाला मीटर खराब हो जाता है, जिससे वह दिशाहीन होकर भटकता रहता है। अंततः वह अपना ईंधन समाप्त कर समुद्र के आगोश में समा जाता है। उसी तरह जलपोत जो होते हैं वो दिशाहीन होने के बाद वहाँ के भयानक तूफानों में फंसकर वो डूब जाते हैं। उन्हीं वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिक यह पक्ष है कि वह एक कम दबाव वाला क्षेत्र है जिसके कारण वहाँ पे हमेशा भयानक तूफान का मंजर बना रहता है। इसी वजह से अमेरिका के पूर्वी कोस्ट पे हमेशा तूफान का मंजर बना रहता है और जितने भी बड़े तूफान आते हैं वो पूर्वी कोस्ट की ओर ही आते हैं। इसीलिए जब भी वहाँ से कोई हवाई जहाज़ या जलपोत गुजरता है तो वह तूफान में फंस करके पानी के आगोश में समा जाता है और ना उसमें से कोई व्यक्ति बचता है, ना उसके बचने की कोई संभावना रहती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य पर विज्ञान जगत भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। जहाँ तक की बात है आपके वहाँ के करीब से जाने की या फिर उसके पास जाने की, तो आप एक सीमा तक उसके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके आगे बढ़ते हैं तो आपके वापस आने की गारंटी कोई नहीं ले सकता। हम आशा करते हैं आपको यह रोचक जानकारियाँ जानकर मज़ा आया होगा। हम आपके पास ऐसे ही रोचक जानकारियाँ रहस्यों के बारे में लेकर आते रहे। आप हमारे द्वारा अपलोड की गई हुई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप दुनिया के अनेकों रहस्यों से रूबरू रहें। धन्यवाद।